गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल द हिंदू एडिटोरियल सेशन। कैसे हैं भैया आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोगों का कोरोना से लड़ने का पूरा प्रयास? राइट दोस्तों, ऐसा है कि अब केसेस हो चुके हैं 3 मिलियन एंड ऑब्वियसली 57,000 के आसपास मौतें हो चुकी है भारत में। और जितना आप लोग समझ पा रहे होंगे, भारत में हेल्थ केयर सिस्टम कितना नाकामयाब रहा है और कितने सारे उसमें अलग अलग लूप होल्स पाए गए हैं, ये अब साफ साफ पूरे पब्लिक को समझ में आने लगा है। आज के डेट में अगर मान लो किसी को कोरोना हो गया तो स्वाभाविक है कि उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि उसे सबसे पहले जाना कहाँ है। अगर मान लो वो अपना RT-PCR टेस्ट कराना चाहता है, अगर वो मान लो अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहता है, तो उसके सेंटर्स कहाँ है ये भी उसको नहीं पता। उसके बाद उसकी रिपोर्ट आएगी 2-3 दिन के बाद। रिपोर्ट आने के बाद अगर मान लो पॉजिटिव हो गया तो उसे या तो क्वारंटाइन कर दिया जाएगा या आइसोलेशन में रखा जाएगा। अगर मान लो उसको बहुत गंभीर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसे वेंटिलेटर पे रखा जाएगा। लेकिन ये सब सुविधाएं हर इंसान के लिए नहीं है। ये सारी की सारी सुविधाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप अवेल करना चाहते भी हैं तो उसके लिए भी अब नसीब लग रहा है। इसीलिए आपको कितना भी बोर लगे, कितना भी उबाऊ लगे, इस बात को प्लीज ढंग से समझने की कोशिश करिए कि आप सुरक्षित रहिए। क्योंकि बाहर अगर किसी भी प्रकार से आपका कोरोना से सामना हुआ तो प्रशासन, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब अभी इतनी वेल इक्विप नहीं है कि ये आपकी सक्षम तरीके से मदद कर पाए। पैसों की बर्बादी तो होगी ही होगी और उसके बावजूद आपको जो मेंटल टेंशन होगा वो अलग। कहने के लिए कोरोना हर किसी को हो भी जाएगा, जो भी होना है आगे जो वो सब देखा जाएगा, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम घर पर रहें और सुरक्षित रहें। बहरहाल दोस्तों, मैं ये बातें इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है। आज का टॉपिक, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिवर्सिंग हेल्थ सेक्टर नेग्लेक्ट विद रिफॉर्म एजेंडा। लाइन का मतलब मैं आपको एक बार में समझा देता हूं। रिवर्सिंग हेल्थ सेक्टर नेग्लेक्ट विद रिफॉर्म एजेंडा, कहने का मतलब ये कि सरकार अभी कोरोना से लड़ने के लिए जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में सुधार लाने की कोशिश कर रही है, उससे सरकार का वो जो स्वास्थ्य के बीमा और स्वास्थ्य संबंधित चीजों के लिए जो पुराने वादे थे, उन सारे वादों को इसी तरीके से ठीक करने की कोशिश कर रही है। मतलब ये कि कोरोना के पहले जब सरकार ये दावा करती थी कि हेल्थ सेक्टर को ठीक करो, स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं को ठीक करो, तो उस समय तो कुछ हो नहीं पाया। अब जब कोरोना आ गया है तो इस कोरोना काल में सरकार उस समय की गड़बड़ियों को अभी ठीक करने की कोशिश कर रही है और बहुत हद तक नाकामयाब भी हो रही है। आपको एक बात बताऊं, अमेरिका में, आप चाहो तो कंफर्म कर लेना किसी से भी, अमेरिका में मान लो कि कोई एक कर्मचारी है जो अपने यहां औरंगाबाद में, जैसे वालूज में जो फैक्ट्रियां है ना, ऐसी एक साधारण फैक्ट्री में काम करता है, वो किसी भी काम को हाथ लगाएगा ही नहीं जब तक उसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो जाता। अमेरिका में हेल्थ इंश्योरेंस और प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस बहुत मोटे दाम पर होना, ये बहुत जरूरी है। उसके बिना कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय किसी भी काम को हाथ नहीं लगाता, वो लोग करते ही नहीं है उसके बिना। इसीलिए अमेरिका में काफी हद तक हेल्थ इंश्योरेंस का केयर रखा जाता है। लेकिन बावजूद उसके अमेरिका में मौतें कितनी ज्यादा हो रही है ये तो आपको पता ही है। और कल एक और अश्वेत नागरिक को किसी पुलिस वाले ने 7 गोलियां मारी है, जिसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। अब अमेरिका में फिर से दंगे भड़क गए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि सेम स्टेटस की अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ उतना अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है भी नहीं। जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं वो कोरोना वाले केसेस में या तो सक्षम नहीं है, या क्या करना है पता नहीं है, या तो फिर उनको इजाजत नहीं दी गई है। ऐसे में गांव-गांव तक अगर कोरोना की जागरूकता फैला ली है, एक एक गांव, एक एक जिला, एक एक पंचायत तक अगर आपको कोरोना के बारे में अवेयरनेस फैलाना है, सरकारी या फिर पब्लिक हेल्थ केयर के अलावा आपके पास कोई चारा है ही नहीं। केवल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल और गवर्नमेंट के स्वास्थ्य कर्मचारी ही काम आ सकते हैं। और ये हमारे लिए बहुत हद तक एक इम्बैलेंस है जिसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। राइट,
तो आज का हमारा आर्टिकल इसी तरह की अलग अलग समस्याओं को उजागर करता है। एक बहुत ही शानदार डॉक्टर है जिन्होंने आज का आर्टिकल लिखा है। तो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया और अमेरिका का जो दृष्टिकोण इसमें दिखाया गया है उसमें क्या क्या चीजें हैं। और भूलिएगा मत, इस तरह के तमाम आर्टिकल्स आपको समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि द हिंदू पढ़ लेने के बाद आपकी रीडिंग मजबूत होती है, आपकी वोकैबुलरी मजबूत होती है, जीके का बैकग्राउंड मजबूत होता है। और आज मैं एक और अपील करना चाहता हूँ सारे आईसीआईसीआई बैंक के सेलेक्टेड स्टूडेंट से कि जीडी के टॉपिक्स इस बार नहीं दिए गए हैं, इसलिए द हिंदू एनालिसिस जरूर देखते रहें ताकि जीडी में क्या पूछा जाने वाला है उसका आपको एक फेयर आइडिया यहाँ से हो जाएगा। जीडी में बात करने के लिए खूब सारा मसाला आपको यहां से मिल जाएगा। ऑलराइट, सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, रिवर्सिंग हेल्थ सेक्टर नेगलेक्ट विद रिफॉर्म एजेंडा। रिफॉर्म एजेंडा मतलब सुधार। ओके, मैं एक एक शब्द आपको समझाता जाता हूं, इत्मीनान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। रिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सुधार। ओके, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी आर्थिक सुधार। तो रिफॉर्म एजेंडा के नाम पर हेल्थ सेक्टर में जो गड़बड़ियां थी, उस जो नेगलेक्ट कर दी गई थी, उसको रिवर्स करने की बात की जा रही है। सोहम डी भदुरी ये मुंबई के हैं, इन्होंने ये शानदार आर्टिकल लिखा है। ये आप साइन देख सकते हैं, डॉक्टर्स का चिन्ह है। इससे काफी हद तक ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ केयर में जो गड़बड़ियां हैं वो क्या क्या है। ओके, नीचे की लाइन देखिए, इंडिया कैनॉट अफोर्ड टू बी कॉम्प्लेसेंट। इंडिया कैनॉट अफोर्ड टू बी कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है संतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड। नोटबुक रेडी है ना दोस्तों, लिखते जा रहे हो ना मैं एक एक चीज जो बोल रहा हूं। तो इंडिया कैनॉट अफोर्ड टू बी कॉम्प्लेसेंट इन थिंकिंग दैट द पेंडेमिक अलोन विल चेंज द हेल्थ केयर लैंडस्केप। कहने का मतलब ये कि भारत अपने आप को आत्मसंतुष्ट नहीं कह सकता इस चक्कर में कि कोरोना तो आ ही गया है, तो कोरोना के साथ साथ भारत का हेल्थ केयर भी अब सुधर जाएगा। राइट, एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि कोई योगा नहीं करता, जॉगिंग नहीं करता, सवेरे उठकर मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जाता, एक्सरसाइज नहीं करता, एक दिन अचानक बीमारी हो गई। अब बीमारी होने के बाद फिर उसको सब समझा रहे हैं कि ये सब करना चाहिए भैया, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और तब वहां से उसने खुद को सुधारना शुरू किया। भारत की हालत भी वैसी ही है। भारत ये समझ रहा है कि अब क्योंकि कोरोना हो ही रहा है, तो इस कोरोना के साथ साथ भारत का जितना हेल्थ सेक्टर में जितनी गड़बड़ियां आज तक थी उसको सुधार लिया जाए और उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन लेखक ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, आप इन चीजों से आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकते, ये उनके बोलने का मतलब है। समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। टू कंट्रीज विच लेड इन द कोविड 19 केसेस टैली इन द वर्ल्ड टूडे, नेमली यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट एंड इंडिया थर्ड, आर ऑल्सो द वंस वेयर द नीड ऑफ हेल्थ केयर रिफॉर्म पोस्ट कोविड 19 हैज बीन मोस्ट कीनली फेल्ट। राइट, दुनिया के दो ऐसे देश जहां पर कोविड 19 के केसेस सबसे ज्यादा हैं, नंबर वन पर है अमेरिका नंबर ऑफ केसेस और नंबर ऑफ डेथ में, और नंबर तीन पर आता है भारत नंबर ऑफ केसेस में, डेथ में नहीं। तो ये दोनों ही जगह पर इस बात को समझा गया है कि हेल्थ केयर रिफॉर्म पोस्ट कोविड 19 हैज बीन मोस्ट कीनली फेल्ट। कहने का मतलब ये कि कोविड 19 के बाद आपके यहाँ हेल्थ केयर रिफॉर्म अच्छे होने ही चाहिए। एक पल के लिए मान लीजिए कि कोरोना आज से एक साल बाद वैक्सीनेशन के बाद काफी हद तक सब कुछ खत्म हो चुका है, सब बढ़िया चल रहा है, तो हमें एकदम हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं जाना चाहिए, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें यह सोचना चाहिए कि जो हुआ उसने हमें बहुत बड़ा लेसन दिया है, अब ऐसे में हमें आगे हेल्थ सेक्टर और हेल्थ केयर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ये बोलने का मतलब है। आगे देखिए, This is due to the lack of effective universal health coverage. Effective universal health coverage को UHC बोला गया है in these countries, which has broadened concerns beyond the frontiers of an epidemic response to the larger domain of access, equity and quality in healthcare. हुआ ये है कि universal health coverage में जबरदस्त अप्रभाव पाया गया है, जिसके वजह से कोरोना से लड़ने वाले जो फ्रंटियर्स हैं, जो सामने कोरोना से लड़ रहे हैं, जैसे कोरोना के वॉरियर्स हैं और बाकी के जो लोग हैं, उनको तो तकलीफ हो ही रही है, और साथ ही साथ मतलब अलग अलग लोगों तक पहुंचने में कोरोना के
कोरोना के काल में मतलब एक अच्छी क्वालिटी हेल्थ केयर देने में हमारी नाकामयाबियां साफ साफ समझ में आ रही है। आपको मैं अपने यहाँ का एक केस बता देता हूँ। इस वक्त यदि किसी को कोरोना हो गया है तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट पूरे शहर में नहीं हो रहा है। कहीं पर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट कराना है तो उसके लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर को पटा के आपको उसको चुपचाप पैसे देकर वो करवाना पड़ रहा है। ये हाल है। अगर मान लो आपको आरटीपीसीआर कराना है, आरटीपीसीआर मतलब वो स्वाब टेस्टिंग, वो जो नाक और आपके मुंह में एक पाइप डाल के जो स्वाब निकाला जाता है ना, वो वाली टेस्टिंग, तो वो अगर करवा रहे हैं तो उसका वेटिंग है दोस्तों दो दो दिन तक का। क्योंकि एक बार वो टेस्ट हो जाने के बाद आपकी रिपोर्ट भेजी जाती है मुंबई, और मुंबई से फिर आपको कंफर्म बताया जाता है कि आपको कोरोना है या नहीं है। कैन यू इमेजिन, लैब्स तक नहीं है, लैब्स तक नहीं है। इसीलिए जिन स्टूडेंट्स को अभी भी कोरोना का सीरियसनेस समझ में नहीं आया या इस तरह की गड़बड़ियां समझ में नहीं आई हैं, मैं आपको वादा करता हूं आईसीआईसीआई की जीडी में ये टॉपिक नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना आप। इस तरह की चीजें आएंगी ही आएंगी, आपको कोरोना से रिलेटेड चीजें पार्शियली या डायरेक्टली पूछी जाएंगी। इसीलिए मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आगे देखिए, लीगसी इम्प्लीकेशन एंड यूएचसी। दिस लैक ऑफ यूएचसी हैज लॉन्ग लीगसी इन बोथ दिस कंट्रीज। लीगसी का मतलब होता है चली आ रही परंपरा या चली आ रही एक ट्रेंड, उसको बोला जाता है लीगसी। तो कई सालों से यूएचसी यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में गड़बड़ियां देखी गई है, विच दे ओ टू मल्टीपल लॉन्ग स्टैंडिंग फैक्टर्स एंड हिस्टोरिकल रीजंस दैट हैव पुट अ डैम्पर ऑन द यूएचसी एजेंडा, राइट। जिसके वजह से हुआ ये है कि मतलब मल्टीपल लॉन्ग स्टैंडिंग फैक्टर्स सामने आए हैं विच हैज पुट अ डैम्पर ऑन द यूएचसी एजेंडा। डैम्पर, डैम्पर शब्द का मतलब क्या होता है, एक तरीके का रोकने का प्रयत्न करना, ओके, एक तरीके से किसी चीज से खुद से लड़ना या रोकने का प्रयत्न करना, खुद को रोक लेना उसमें। द लॉन्ग लीगेसी हैज टू इंपॉर्टेंट एंड इंटर रिलेटेड इंप्लीकेशन व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर रिफॉर्म, राइट। हमारे देश में और उनके देश में हेल्थ केयर रिफॉर्म के मामले में काफी हद तक गड़बड़ियां हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका में काफी हद तक अच्छा है, अपने यहाँ तो बहुत ही बकवास है। First, certain entrenched characteristics of these health system that have accrued over decades tend to dictate the terms of further evolution and lead to a number of compromises. Okay, entrenched का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसको आप बहुत difficulty से change कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर underline कर देता हूँ entrenched। entrenched का मतलब होता है जो चीज जल्दी से बदलती नहीं है उसको बोला जाएगा entrenched, right? तो ये बोल रहा है कि first certain entrenched characteristics of this health system that have accrued over decades tend to dictate the terms of further evolution and lead to a number of compromises। याने इतने साल से एक जैसी घटिया हेल्थ केयर फैसिलिटी जो हमारे देश में मिल रही है उसके वजह से नतीजा ये है कि जब आज हमको फास्ट इफेक्टिव और बहुत ही अच्छे से क्वालिटी हेल्थ केयर देने की नौबत आई, हम टाए टाए फिस हो गए, हम घुटने पे आ गए हैं और हम ठीक से कुछ भी कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि 70 साल में कभी तैयारी नहीं की तो आज अचानक तुम क्या कर लोगे, राइट। जहां केसेस इतने ज्यादा है आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जनवरी आते आते देखो वैक्सीन आ जाएगी, संभावना है, मैं कह नहीं रहा कि आ ही जाएगी लेकिन लगता है कि आ जाएगी। अगर वैक्सीन आ गई ना तो भारत में वैक्सीन लेने के लिए मारामारी लग जाएगी, देख लेना। क्योंकि तय तो ये हुआ है कि सबसे पहले 70 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं जिनको क्रोनिक डिसीज है उनको दी जाएगी, फिर दूसरे बुजुर्गों को दी जाएगी, फिर बच्चों को दी जाएगी, फिर उसके बाद यंगस्टर्स को दी जाएगी, और लास्ट में उनको दी जाएगी जो कोरोना से ऑलरेडी रिकवर हुए हैं, क्योंकि उनके बॉडी में तो ऑलरेडी इम्यून पावर डेवलप हो चुका है इस तरीके से। लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि जब ये वैक्सीन आएगी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि हर किसी को वैक्सीन लेकर निश्चिंत होना है, तो ऐसे मामले में आप देखना गड़बड़ियां हो सकती है और ये सरकार की एक और नाकामयाबी को दर्शाएगा। आगे यहां तक पढ़ लिया, हाँ। सेकंड, द लॉन्ग लीगेसी इटसेल्फ कंप्राइजेस ऑफ पाथ डिपेंडेंट ट्रेजेक्टरी दैट प्रीक्लूड्स फार रीचिंग हेल्थ केयर रिफॉर्म, राइट। एक ऐसी लीगेसी, लीगेसी शब्द का मतलब होता है परंपरा, एक दूसरी परंपरा जो देशों में देखी गई है, भारत में खासकर वो ये
कि भाई कोई भी चीज को अचीव करने के लिए मतलब खूब ज्यादा मेहनत लग जाती है। भारत में अगर एक अच्छा हेल्थ केयर आपको चाहिए है तो उसके लिए खूब जबरदस्त प्रयास लग जाते हैं। ये एक और बड़ा प्रॉब्लम है। द यूएस अफोर्डेबल केयर एक्ट ACA कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट इम्प्लीकेशन। इट एनविसाज्ड अ पर देखते हैं नंबर ऑफ ओवर आर्किंग मेजर्स टू एक्सपांड हेल्थ इंश्योरेंस एंड इंप्रूव एक्सेस मेडिकल इंक्लूडिंग मेडिकल एक्सपांशन एसेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स एंड डिस्करेजिंग रिस्क ऑफ सिलेक्शन इन इंश्योरेंस। अमेरिका में एक ACA नाम की एक सुविधा है। इस ACA सुविधा के तहत आम आदमी तक हेल्थ केयर की फैसिलिटी पहुंचाई गई है और उसका दायरा उन्होंने काफी बढ़ाया है। अब कैसे बढ़ाया है? हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादा से ज्यादा बांटे गए हैं। लोगों तक और डीपली पहुंचने की कोशिश की गई है। मेडिकेड एक्सपांशन दिया गया है, हेल्थ बेनिफिट्स दिए गए हैं और रिस्क को कम करने के लिए और इंश्योरेंस की सुविधा रखी गई है। अपने भारत में भी आयुष्मान भारत वगैरह लाकर ये करने की कोशिश की गई है, लेकिन आयुष्मान भारत कितना सक्सेसफुल है और कितना फेलियर ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आई थिंक आप सबका उससे कोई ना कोई कड़वा अनुभव आया होगा। आगे, हाउएवर द फाउंडेशनल एस्पेक्ट ऑफ द यूएस हेल्थ केयर सच एज द फ्रेगमेंटेड प्राइवेट इंश्योरेंस लैंडस्केप एंड अ लव फॉर एक्सपेंसिव स्पेशलाइज्ड केयर कुड हार्डली बी अल्टर्ड ड्यू टू देयर एंट्रेंच्ड नेचर। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में भी अगर आप एक प्राइवेट इंश्योरेंस लैंडस्केप प्राइवेट इंश्योरेंस आप लेना चाहते हैं या फिर जो लोगों में जो एक प्रेम है किस चीज के प्रति, स्पेशलाइज्ड और एक्सपेंसिव हेल्थ केयर के प्रति, उसको बदलना जरा सा मुश्किल है क्योंकि लोगों में एक रिजिडिटी है। देखो सिंपल है, आज तक अगर सरकार हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर मान लो प्रति व्यक्ति 50,000 रुपए खर्च करती आई है, मान लेते हैं अमेरिका की सरकार, उसको कम करके अब अमेरिका की सरकार 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करेगी, राइट? लेकिन ये कहेगी कि कम से कम 10,000 करने के बाद पूरा अमेरिका हम कवर कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे अब कर रहे हैं। तब भी लोग मानेंगे नहीं क्योंकि 10,000 में उनको संतुष्टि होगी ही नहीं। उनको लगेगा 10,000 के इंश्योरेंस में आप हमारा ठीक से ख्याल नहीं रखोगे। ये बोलने का मतलब है उनका, समझ में आया आपको? हाँ। आगे देखो, द ACA रिफॉर्म्स वर था सुपर इम्पोज ऑन सच लार्जली नॉन नेगोशिएबल एलिमेंट विच इन टर्न कंस्ट्रेंट द नेचर एंड स्कोप ऑफ दोज रिफॉर्म्स। इट इज लिटिल वंडर दैट द ACA हैज नॉट वेरी सक्सेसफुली ऑन मल्टीपल फ्रंट्स सच एज एंश्योरिंग एक्सेस कमेंश्योरेट विद इंश्योरेंस लेवल्स एंड चेकिंग द राइज ऑफ प्रीमियम एंड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, राइट? देखिए, ये अपने आप में कोई बहुत बड़े ताज्जुब की बात नहीं है कि अमेरिका का जो ये ACA है ये कोई बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट नहीं रहा, क्योंकि एक तो ये हर प्रकार के लोगों तक पहुंचने में नाकामयाब रहा, हर प्रकार के इंश्योरेंस देने में भी नाकामयाब रहा और ये बातें देखने में भी नाकामयाब रहा कि क्या वाकई में इस प्रकार की महंगी महंगी बीमारियों से लड़ने की दवाइयां और केयर ये लोग ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो कोशिश की कि सस्ते में दे सकते हैं लेकिन वो हो तो नहीं पाया कहीं भी। आगे, अ सिमिलर सेट ऑफ एंट्रेंस्ड एंड नॉन नेगोशिएबल फंडामेंटल्स इंक्लूडिंग वीक पब्लिक एंड परवेजिव प्राइवेट हेल्थ केयर विल ऑल्सो इम्पैक्ट हेल्थ केयर रिफॉर्म इन इंडिया। ठीक इसी तरह की हेल्थ केयर फैसिलिटी भारत में भी है, जिसके वजह से भारत में हेल्थ केयर रिफॉर्म लाने की अब नौबत आ चुकी है, राइट? तो अपने यहां भी कोई अच्छी बात है ही नहीं। अब देखो भारत में क्या हो रहा है, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। इस पैराग्राफ को ढंग से सुनना दोस्तों। इंडियाज अटेम्प्ट्स, द गवर्नमेंट हैज लुक्ड पॉइज्ड। पॉइज्ड का मतलब होता है शांत, एकदम बैलेंस, कंपोज्ड। टू एम्प्लॉय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABBPMJAY हेल्थ इंश्योरेंस एज अ टूल फॉर अचीविंग UHC। UHC मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, राइट? अपने यहाँ क्या हुआ है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके तहत लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देने की बात की गई है और सारे लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस कराने की बात की गई है। एंड सच कॉल्स हैव ओनली ग्रोन स्ट्रॉन्गर इन द कंटेक्स्ट ऑफ COVID-19 पेंडेमिक। लेकिन इस तरह की चीजों का और ज्यादा मतलब
एक जरूरत महसूस हुई है COVID-19 पेंडेमिक में. प्लान्स आर रिपोर्टेड अंडर वे टू एक्सटेंड कवरेज टू द नॉन पुअर पॉपुलेशन अंडर ABPMJAY विच करेंटली कवर्स द बॉटम 40% ऑफ द पॉपुलेशन. हाँ, अभी क्या है कि ABPMJAY के तहत जो सबसे गरीब तबका है उसमें के 40% लोगों को, जनसंख्या के लोगों को हम ABPMJAY के तहत कवर कर रहे हैं. लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, आपको और ज्यादा दायरा बढ़ाना पड़ेगा. 60%, 70%, 80% लोगों को उस आरोग्य योजना के तहत आपको लाना पड़ेगा और सरकार वो ला ही नहीं पा रही है. टेकिंग द हेल्थ इंश्योरेंस रूट टू द UHC ड्रिवन बाय प्राइवेट प्लेयर्स rather than strengthening the public provisioning of healthcare is reflective of the non-negotiability of private healthcare in India. अब देखो लफड़ा क्या है. अगर आप इस तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट अगर आप लेते हो कहां से, प्राइवेट हॉस्पिटल से, प्राइवेट हेल्थ केयर से, तो वहां पर प्रॉब्लम ये हुई है कि वहां पर किसी भी प्रकार से नेगोशिएशन हो ही नहीं रहे. वहां पर आपके पैसे और बर्बाद हो रहे हैं और वो फैसिलिटी ठीक से मिल भी नहीं रही है. ये सच बात है. अगर मान लो आप आयुष्मान भारत के इंश्योरेंस के तहत किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से इलाज कराते हो तो वो आपका इंश्योरेंस की रकम होगी मान लो 1 लाख रुपए, राइट. अब वो 1 लाख रुपए आपको साल में एक बार मिलता है, राइट. अब एक लाख रुपए साल में एक बार अगर आपको मिल रहा है तो साल में आप जितने भी बार बीमार पड़ोगे 1 लाख रुपए आपके पास है, आप धीरे धीरे करके खर्च कर सकते हो. प्राइवेट हॉस्पिटल में आप जाओगे, आपका एक बार का ही बिल 1 लाख रुपए आ जाएगा और वो बोलेगा कि हो गया आपका सारा, मतलब जितना अमाउंट था इंश्योरेंस का वो पूरा कवर हो गया. दूसरी बार आप बीमार पड़े अब आपको जेब से पैसे देने पड़ जाएंगे. ये लफड़े हैं, समझ में आ रहा है आपको. इस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत सी चीजें हैं जो कि हमारे बस के बाहर होती जा रही हैं और हमको वो बर्दाश्त भी करना पड़ रहा है. आगे देखिए, This could have several unwanted, मैं इस लाइन पर हूँ, इधर देख लीजिए, अंडरलाइन कर रहा हूँ. This could have several unwanted consequences which merits attention. Stark maldistribution of healthcare facilities, about 2/3 of corporate hospitals concentrated in major cities, and low budgetary appropriations for insurance could mean that universal insurance does not translate to universal access to services. Much akin of what was seen under ACA in the US. बहुत बढ़िया लाइन है, एक बार फिर से सुनो. ये बोल रहा है, stark mal distribution of healthcare facilities, about 2/3 of the corporate hospital concentrated in major cities, and low budgetary appropriations for insurance could mean that universal insurance does not translate to universal access to services, much akin to what was seen under the ACA in the US. कहने का मतलब ये, भारत में अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस देना है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी मदद लेनी है तो भारत में 75% प्राइवेट हॉस्पिटल तो शहरों में पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं, गांव में जाता कौन है. तो ऐसे में अगर गांव के लोगों तक आपको हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुंचानी है तो एक तो उन तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है क्योंकि सारे हॉस्पिटल आप शहर में खोल के बैठे हो. दूसरी चीज ये, गांव का व्यक्ति अगर शहर आकर अपना इलाज कराएगा तो बेचारा पूरा का पूरा कंगाल हो जाएगा. क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू सरकार जो बजट रख रही है वो एक एक आदमी के लिए पर्याप्त नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल लूट लेते हैं, इसीलिए उतने पैसे में उसका इलाज ढंग से नहीं हो पाएगा. समझ में आया आपको. ये बराबर वैसी ही गड़बड़ लग रही है जैसी अमेरिका में हो रही है. आई होप अब आपको पूरी तस्वीर समझ में आने लगी मैं इतनी देर से क्या बात कर रहा हूँ, राइट. हाँ, और भैया अगर सेशन समझ में आ रहा है, चीजें इजीली समझ में आने लगी है तो जरा लाइक शेयर करना सीखो यार प्लीज. Thus, far insurance-based incentive to drive private players into rural countryside have been largely unsuccessful. साफ वही बोल रहा है वो. Countryside, ये शब्द बड़ा अच्छा है, एग्जाम में आ भी चुका है. Countryside का मतलब होता है गांव, दूर दराज का एरिया. तो रूरल एरिया में क्या हो रहा है कि काफी हद तक अनसक्सेसफुल है ये हेल्थ केयर पूरा का पूरा. And experience suggests that public sector could be the only effective alternative. तो
इतिहास ये बताता है कि गांव में भी अगर इलाज की जरूरत पड़ती है तो लोग प्राइवेट से ज्यादा किसके पास जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल के पास ही जाते हैं, क्योंकि उन बेचारों के पास और कोई चारा है ही नहीं, राइट। आगे देखते हैं। हाँ, फर्दर द इंडियन स्टोरी हैज ट्रेडिशनली बीन वन ऑफ एमिंग हाई विथ लिटिल होमवर्क, राइट। ये लाइन तो पंच लाइन है यार, ये लाइन तो स्टेटस पे लगा के रखने जैसी लाइन है जो लिखा है इन्होंने। लेखक ने ये लिखा है, द स्टोरी द इंडियन स्टोरी हैज ट्रेडिशनली बीन वन ऑफ द एमिंग हाई विथ लिटिल होमवर्क। जैसे आप लोगों के साथ होता है ना, पढ़ाई करना है नहीं, इंग्लिश नहीं सीखना है, करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस नहीं करना है, रोज का 6 घंटा अभ्यास करना है, कुछ भी नहीं करना है, टेस्ट नहीं दिलानी है, और उम्मीद करनी है कि मुझे नाबार्ड में नौकरी लग जाए, उम्मीद करनी है कि मुझे 6 लाख का पैकेज लग जाए, उम्मीद करनी है कि LIC में सिलेक्शन हो जाए, उम्मीद करनी है कि IBPS PO बन जाए। अरे भैया, बैठे बैठे अगर सब कुछ हो जाता तो आप क्या पूरी दुनिया अभी IBPS PO में काम कर रही होती? ऐसा नहीं होता ना। भारत भी बराबर वैसा ही है। तुम्हारे अंदर ये जो निकम्मापन आया है, ये सरकार का दिया हुआ है दोस्तों, बढ़िया है, चलने दो। इनके बोलने का मतलब ये है कि हमारे देश की सरकारें सपने तो बहुत बड़े बड़े देखती है, लेकिन उसके लिए तैयारी बहुत कम करती है, होमवर्क बहुत कम करती है। समझ में आया? राइट, आगे देखते हैं। एनविसाजिंग यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस विथ विदाउट इनफ रेगुलेटरी रॉबस्टनेस टू हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस टू मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज इज अ केस इन पॉइंट। नाउ दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेखक ये बोलना चाह रहे हैं कि भारत में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस को अच्छे से करने के लिए और उसको कोने कोने तक फैलाने के लिए भारत में माल प्रैक्टिसेस यानी जो गड़बड़ियां हो रही है, प्रशासनिक गड़बड़ियां, और मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी। मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है जब कोई एक आदमी ही सारी चीजें हैंडल करे और हमारे पास कोई चारा ही ना हो किसी और के पास जाने के लिए। जैसे आपको एक उदाहरण बता रहा हूं, भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे की एक कंपनी है, वैक्सीन बना रही है, वैक्सीन बनाने के काफी नजदीक आ चुकी है। अब मान लो कि सीरम ने वैक्सीन बना ली, तो पूरे भारत में वैक्सीन कौन बेचेगा? सीरम वाले बेचेंगे। पूरे भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 138 करोड़। वैक्सीन क्या कैसे मिलेगी? वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी। तो आपको लगता है क्या कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीन नहीं लेगा? हर कोई लेगा, क्योंकि कोरोना से मरना तो कोई भी नहीं चाहता। स्वाभाविक सी बात यह है कि सीरम वालों की मोनोपोली बढ़ जाएगी, उनकी दादागिरी चलेगी, वो एक तरीके से हर किसी को कंट्रोल करने लगेंगे और वो सरकार से नेगोशिएट करने लगेंगे। ये मोनोपोली आज भी है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है अगर आपको हर किसी तक पहुंचना है तो। राइट, आगे देखिए। दिस कुड हैव मेजर कॉस्ट इक्विटी एंड क्वालिटी इंप्लीकेशंस। फॉर एग्जाम्पल, शुडंट देयर बी अ पोटेंट क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बिफोर एम्बार्किंग ऑन यूनिवर्सल स्कीम इन्वॉल्विंग लार्ज स्केल पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन। लेखक ने बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया है, आप GD में ये पॉइंट जरूर उठाइएगा अगर ऐसा कोई टॉपिक आ गया तो। वो बोल रहा है कि अब भारत में लोगों को हेल्थ केयर देने के लिए एक कानून लाया जाए जिसका नाम होना चाहिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ऐसा एक कानून पारित कर देना चाहिए, और पब्लिक हॉस्पिटल यानी सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल यानी निजी हॉस्पिटल दोनों को साठ गांठ करके एक साथ हाथ मिला के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही इकलौता उपाय है और कोई चारा नहीं है। आपको पता है ना, दिल्ली में वही किया गया था। 5-स्टार हॉस्पिटल में जितने बिस्तर हैं वो सारे के सारे बेड्स को कोरोना पेशेंट्स के लिए दिया था। तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ सरकारों ने इसके ऊपर कदम उठाए हैं भैया, क्योंकि चारा ही नहीं है, क्या कर लोगे आप? तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। राइट, आगे देखिए। अ सिमिलर आर्ग्यूमेंट कैन बी मेड ऑन द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कंसीव्ड बाय द सेंटर। सरकार एक नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन चलाती है। कंसीव, कंसीव का मतलब होता है किसी चीज को पैदा करना, जनरेट करना, शुरुआत करना। इंटीग्रेट एंड इंप्रूव मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट एंड हेल्थ फैसिलिटी इंफॉर्मेशन आर वेरी वेलकम। हाउएवर, इन द एब्सेंस ऑफ द रॉबस्ट ग्राउंड लेवल डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस एंड इट्स प्रीरिक्विसाइट्स, इट वुड डू लिटिल मोर देन हेल्पिंग सम प्राइवेट प्लेयर्स एंड एडिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज एंड कॉस्ट लाइक द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स डिड अंडर द USACA। वाओ, ये लाइन के लिए तो बिल्कुल तारीफ करनी पड़ेगी। जो सोहम भदूरी साहब ने जो पॉइंट उठाया है वो क्या है, देखो ये बोल रहे हैं, अ
अब आप एक एक फिर से एक उदाहरण लीजिए, माफ करना आज बहुत सारे उदाहरण देने पड़ रहे हैं समझाने के लिए, क्योंकि ये है ही विषय उतना गंभीर। एक उदाहरण लीजिए कि मान लीजिए आपके घर में कोई काम वाली बाई आती है साफ सफाई करने के लिए, रोज के काम करने के लिए। अब ऐसा है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनके पास 10वीं की मार्कशीट नहीं है, उनके पास 12वीं की मार्कशीट नहीं है, उनके पास आधार कार्ड नहीं है, और उनके पास जो भी बेसिक चीजें होनी चाहिए वो नहीं है, खुद का मकान वगैरह नहीं है। अब आप ही बताओ, इस तरह के लोग क्या जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत वाली स्कीम का फायदा उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। अब आपको क्या लगता है कि इन लोगों को अगर हमें फैसिलिटी देनी है तो क्या होगा? अगर ये लोग सरकारी हॉस्पिटल में गए तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर इनको कोई भी पूछेगा नहीं, क्योंकि इनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं है। नतीजा क्या होगा? इनको जाना पड़ेगा प्राइवेट हॉस्पिटल में, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के बाद जेबें खाली हो जाएंगी, किसी को मकान बेचना पड़ेगा, किसी को गहने बेचने पड़ेंगे, और तब जाके इलाज होगा। और ये सब कर लेने के बाद सरकार ये कहेगी कि आयुष्मान भारत बहुत सक्सेसफुल चल रहा है, तो ये अपने आप में गलत है यार, ये नहीं हो सकता। हालांकि मैं एक एक व्यक्ति पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, और सरकार की नाकामयाबी हो रही है एकदम ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं। हमारे देश में आधार कार्ड 100 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड ऑलरेडी बांट दिए गए हैं, इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्लान। और आयुष्मान भारत जैसी स्कीम का फायदा उठाने के लिए आपके पास आधार कार्ड राशन कार्ड कुछ भी रहा तो वो हो सकता है, लेकिन काफी हद तक अगर मान लीजिए इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट मांग लिए अस्पताल में, तो लोग वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और उसका नतीजा ये होगा कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में भीड़ बढ़ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आपको? ऑल राइट, अब इसके आगे का आप प्लीज 2 पैराग्राफ ढंग से पढ़िएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, इतनी कोशिश आप जरूर करिएगा। मैं सीधे आपको ले चलता हूं आखिरी पैराग्राफ में। अपहीवल यस बट ऑल्सो एक्शन। अपहीवल का मतलब होता है बदलना, सडन चेंज। यहां पर मैं लिख देता हूं मीनिंग, सडन चेंज, राइट? हाँ, बट ऑल्सो एक्शन। व्हाइल अपहीवल्स ऑफर विंडोज फॉर पुशिंग रिफॉर्म, एज जॉनसन नोट्स, द वेट ऑफ पास्ट एंड प्री एग्जिस्टिंग पाथ स्ट्रॉन्गली कंस्ट्रेन एंड लिमिट द इम्पैक्ट ऑफ द मोस्ट रेडिकल रप्चर्स। We cannot afford to be complacent and think that the pandemic will automatically change the Indian healthcare landscape. Right? यहाँ पर लेखक एक बात बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम संतुष्ट होके बैठ नहीं सकते कि कोरोना के वजह से भारत का हेल्थ केयर सिस्टम ठीक हो जाएगा। आपको मैं एक बात बता देता हूं कि कोरोना के चले जाने के बाद भी हम अच्छे से सबक नहीं सीखेंगे। जो लोग बच गए वो लकीली बच गए, जो लोग की मृत्यु हो गई वो अनफॉर्चुनेट थे, उनकी मृत्यु हो गई, जो लोग रिकवर कर गए उनका नसीब अच्छा था, लेकिन सरकार ने अपनी मेहनत से हमें बचाया है, इस तरह की बातें बहुत कम सुनने में आएंगी आपको, क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर तब भी शायद ठीक से बदलेगा नहीं। हालांकि इस पर बात चल रही है कि सरकारी अस्पतालों की परिस्थितियां बदलेंगी, बोल तो रहे, देखो अब अगले बजट में एक बड़ा बजट हेल्थ केयर सेक्टर को दिया तो जाएगा ही। This is particularly important such as protracted presence of the pandemic in the country could undermine its gravity and perceived urgency of major reform. Yes, ये बात समझ में आ गई है कि अब हमें हेल्थ केयर सेक्टर पे ध्यान देना पड़ेगा, उसकी एक जबरदस्त जरूरत महसूस हुई है। और protracted, यहाँ पर एक अच्छा वर्ड आपको दिख रहा होगा, protracted, protracted का मतलब होता है कि लंबे समय तक रहने वाला, तो कोरोना अभी लंबे समय तक रहने वाला है। आपको एक और बात मैं बता देता हूं, जनवरी में आएगी वैक्सीन, वैक्सीन कितने लोगों को बांटनी है? 138 करोड़ लोगों को बांटनी है, सबको देनी है। आपकी उम्र है 20 से लेकर 40 साल के बीच में, बेटा आपका नंबर है ना सबसे लास्ट में लगने वाला है, क्योंकि एक तो हमारी हम एसिम्टोमेटिक लक्षण दिखाते हैं ना, हमारे अंदर कोई सिम्टम्स तो दिखते नहीं जल्दी से। दूसरी बात यह है कि रिकवरी परसेंटेज भी बहुत अच्छा है, तो हमें वैक्सीन सबसे लास्ट में मिलेगी। अब ऐसे में हम तक वैक्सीन पहुंचते 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 6 महीने का वक्त आप और मान के चलो, प्रशासन ने बहुत जबरदस्त काम किया, एक्सेप्शनली काम किया, तो बात अलग है कि जल्दी हो जाएगा। यानी कम से कम आपको अगले साल मई जून 2021 तक कोरोना से खुद की सुरक्षा खुद ही करनी है, और कुछ नहीं हो सकता।
इतना तो आप मान के चलो। और अभी भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही है, अभी भी आप बस में बैठ रहे हैं, अभी भी आप ऑटो में जा रहे हैं, किसी भी खाने के सामान को सीधे हाथ लगा रहे हैं, घर में घुसने से पहले चप्पल बाहर नहीं निकाल रहे हैं, हाथ पांव नहीं धो रहे हैं, बाहर जाने के अलग कपड़े आपके नहीं है, घर पे पहनने के अलग कपड़े नहीं है, बुजुर्गों के साथ सीधे संपर्क में आ रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, प्रिकॉशंस नहीं है, मास्क नहीं पहन रहे हैं, सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर भगवान आपका मालिक है, क्योंकि इस अदृश्य शक्ति से लड़ने के लिए आप महा बेवकूफ सिद्ध हो सकते हैं किसी दिन। इसीलिए प्लीज 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 यहां से भी वैक्सीन आने के लिए थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही लगेगा, तब तक अपनी केयर खुद करिए। जो बीमारी अमित शाह को हो सकती है, जो मंत्रिमंडल के बड़े बड़े मिनिस्टर्स को हो सकती है, जो अमिताभ बच्चन को हो सकती है, जो बोरिस जॉनसन को हो सकती है, तो वो हर किसी को हो सकती है यार, बिल्कुल हो सकती है। और हो जाने के बाद रोने से क्या फायदा, आपको केयर आज करनी पड़ेगी। और अब तो वो हवा में घुल गया है, हवा में अगर कोरोना आ चुका है तो फिर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आप एक गहरी सांस लेंगे और उस सांस के साथ वो आपके ब्लड में चला जाएगा, तो आप क्या कर लोगे। इसीलिए अपना इम्यून पावर डेवलप करिए, खुद की प्रतिरोधात्मक शक्ति पे विश्वास करिए, सुबह शाम बढ़िया काढ़ा पीजिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए और खुद को स्वस्थ रखने की कोशिश करिए। और बावजूद इसके अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तब भी पैनिक मत होइए और जितना हो सके खुद को आइसोलेट करिए। धीरे 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 आपकी बॉडी अपनी शक्ति डेवलप करेगी और उस बीमारी से लड़ेगी और धीरे धीरे आप रिकवर हो जाएंगे। तो उम्मीद यही है कि अच्छे से चीजों को रिकवर करने में आसानी हो जाए। ऑलराइट, आखिरी की लाइन देख लेते हैं बस। इट विल रिक्वायर मोबिलाइजिंग कंसर्टेड एक्शन फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स। सिविल सोसाइटी वुड नीड टू यूटिलाइज दिस ओपनिंग टू जनरेट वाइड स्प्रेड पब्लिक कंसेंसस एंड प्रेशर फॉर हेल्थ केयर रिफॉर्म। द फैक्ट दैट स्टेट्स विद हायर हेल्थ सॉरी विद हायर पर कैपिटा पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ हैव फेयर्ड बेटर अगेंस्ट कोविड 19 कैन बी इवोक्ड बैक टू रिफॉर्म आर्ग्यूमेंट। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ अभी मतलब एक अच्छा कंसेंसस आ चुका है कोरोना से लड़ने का, लेकिन समस्या ये है कि जो ऐसे प्रदेश हैं जिनकी हैसियत अच्छी है, जहां पर प्रति व्यक्ति आय अच्छा है, प्रति व्यक्ति खर्च करने की कैपेसिटी अच्छी है, वहां पर कोरोना से लड़ने की तैयारी भी बढ़िया चालू है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर हालत बहुत खराब है, तो वहां पर कोरोना से बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। ओके, एट द सेम टाइम पॉलिटिक्स वुड नीड टू रिकॉग्नाइज द अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलिस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ एंड मार्शल इनफ विल टू नेगोशिएट ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन टू चेंज। राइट, कहने का मतलब ये है कि ऐसे समय पर एक राजनीति को बाजू में रखकर यानी ये समझना चाहिए कि किस तरीके से हम कोरोना से लड़ सकते हैं, जिसकी फिलहाल राजनीतिक स्तर पर बहुत ज्यादा जरूरत है। तो गाइज ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। आर्टिकल लिखने वाले सोहम डी भदूरी साहब जो है ये मुंबई के एक फिजिशियन है, हेल्थ केयर कमेंटेटर है और द इंडियन प्रैक्टिशनर के एडिटर भी है। ऑलराइट, तो गाइस उम्मीद करता हूं कि आपको इस आर्टिकल से कुछ बातें समझ में आई, आपको अलार्मिंग फैक्टर समझ में आए, हेल्थ केयर को लेकर भारत में कितनी गड़बड़ियां हो सकती हैं और ऑलरेडी हो चुकी है और आने वाले दिन में हमको इससे कितने सबक सीखने हैं, इसके ऊपर आपको एक अच्छी जानकारी मिली। आपको जाते जाते एक बहुत अच्छी चीज मैं आज दिखा देता हूँ, सो प्लीज हैव अ लुक। यस, द हिंदू के जितने भी एडिटोरियल सेशंस हैं वो सारे के सारे सेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। आपको ज्ञानबाजी टेलीग्राम, ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पर जाना है, ये देख लीजिए ज्ञानबाजी। ज्ञानबाजी की स्पेलिंग GAGYANBAZI, ये है, आपको उस पे जाना है और द हिंदू की प्लेलिस्ट निकाल लेना है। ये जहां पर मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये है द हिंदू की प्लेलिस्ट और यहाँ पर ये सारे लेक्चर्स लाइन से आपको मिल जाएंगे। बड़े ही शानदार टॉपिक्स पर ये लेक्चर बनाए गए हैं, इत्मीनान से आप इन्हें पढ़िए, ओपन करिए। आधे घंटे से लेकर 40 मिनट के वीडियोस आपके लिए बना के रखे हैं, अच्छे नोट्स बनाइए। अगर आप ICICI की GD की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वरदान है, बहुत बढ़िया कॉन्टेंट इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। नोट्स बना के आप पूरे लेक्चर को ध्यान से सुन लीजिए, थिंग्स विल बी एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का आर्टिकल, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से बातें समझ में आई हैं। ऑलराइट,
तो आगे बढ़ने से पहले जाते जाते आपको अलविदा कह दे। यस, एक सेकंड। यस गाइस, सो टेलीग्राम चैनल की ये लिंक है मेरी, जो मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ। इस टेलीग्राम चैनल की लिंक पर जाइए और हमारा अच्छा शानदार जीके कंटेंट जो है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। जीके के टेस्ट के भी लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। और हाँ, एक और आपको बात बतानी है कि 2 सितंबर तक मेरे 5 लाइव लेक्चर्स होने वाले हैं करंट अफेयर्स के, राइट, जिसमें मैं फरवरी से लेकर जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूँ। आई रिपीट, फरवरी से लेकर जुलाई तक का। नेशनल बैंक, नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के बच्चे, यहाँ तक कि एसएससी वाले बच्चे, आईबीपीएस के स्टूडेंट्स और जितने भी आरआरबी के स्टूडेंट्स हैं, उन सबको ये मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि मई, जून, जुलाई इसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो एनी हाउ आपको आने ही वाले हैं। तो ये सेशन आप जरूर अटेंड करिए, शाम को 6 बजे ये लाइव रहता है। मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसकी लिंक आपको थोड़ी देर में फॉरवर्ड कर दूंगा, उसको ओपन करिएगा और आज शाम को 6 बजे जरूर आइएगा, अच्छे डाउट्स और अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं शाम को 6 बजे। चलिए देन, तब तक के लिए गुड बाय। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा दोस्तों, टेक केयर।